ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर एमपी की राजधानी भोपाल से है, जहां हज पर जाने वाले यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट मंगलवार को जेद्दा के लिए रवाना हो गई। भोपाल से 177 हज यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। इस दौरान सभी हज यात्रियों को गुलाब का फूल देकर विदा किया गया। बता दें कि बुधवार 22 मई की सुबह भी हज यात्री जेद्दा जाएंगे। दो दिन में कुल 380 यात्री रवाना होंगे। जानकारी के अनुसार पहले दिन मंगलवार सुबह 5:30 बजे 177 यात्रियों को लेकर फ्लाइट जेद्दा के लिए रवाना हुई। जाने से पहले राजा भोज एयरपोर्ट पर हज यात्रियों का स्वागत किया गया। हज कमेटी के अध्यक्ष राउफ वारसी समेत अन्य पदाधिकारियों ने सभी को गुलाब के फूल दिए और विदा किया। अध्यक्ष वारसी ने बताया 22 मई को भी भोपाल से फ्लाइट उड़ेगी। प्रदेश के करीब 7,000 हज यात्रियों की रवानगी 21 मई से मुंबई एयरपोर्ट से हो रही है। यह सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। बता दें कि हज पर जाने वाले यात्रियों में अधिकतर यात्री भोपाल के ही हैं, कुछ बाहर के हैं जो सोमवार शाम को ही हज हाउस में पहुंचे थे। रात 2:30 बजे सभी हज यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हज हाउस में यात्रियों और उनके साथ आने वाले परिवारजनों के लिए बैठक व्यवस्था, कूलर, मोबाइल, टॉयलेट, पार्किंग, पेयजल आदि की व्यवस्था की गई है। वहीं एयरपोर्ट पर 24 घंटे डॉक्टर पैरामेडिकल टीम के साथ इमरजेंसी में हमीदिया अस्पताल में भी बेड सुरक्षित करने एवं डॉक्टरों की विशेष टीम तैनात है। इसके साथ ही हज हाउस में गर्मी को देखते हुए ओआरएस के पैकेट भी बांटे गए हैं। मैं हनीफ अहमद अंसारी छतरपुर से हूँ, हज के लिए जा रहा हूँ। पहली बार में मेरा नंबर आ गया है और मैं वहाँ जाके अपने देश के लिए और खुशी के लिए दुआ करूंगा। कितने लोग जा रहे हैं? मैं और मेरी बेगम साहब। आप भोपाल आए, हज कमेटी की व्यवस्था है जी? हज कमेटी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। उन्होंने परेशानी की तो बात ही नहीं है, जैसे ही आए उन्होंने सब चीजें मेरे को मुहैया कर दी, बता दिया कहाँ से क्या करना है और मेरा पूरा सामान ला के उन्होंने जमा कर लिया। पूरे टोकन वगैरह खाने का और उसका सब चीज़ का उन्होंने फौरन मुहैया किया और जगह बताई कि यहाँ आके खाइए। वहाँ खिलाने वाले भी बहुत अच्छे इखलाक से उन्होंने बिठा के खाना खिलाया और रुकने के लिए कमरा भी मुहैया करा दिया। यहाँ पे कितने हाजी आज फ्लाइट से गए और कितने हाजी लगभग बचे हुए हैं और क्या इंतजाम यहाँ पे आपके जिम्मेदारी में किए गए? आज सुबह जो फ्लाइट गई है वो अपने वक्त पर ही गई है और उसमें तकरीबन 177 हाजी और हजानिये गए हैं और उम्मीद ये है कि अब वो शायद पहुँच भी गए होंगे, क्योंकि सुबह 5:30 की फ्लाइट थी। 10-1 मिनट के कुछ वक्फा हो गया था तो 5:45 तक जो है फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ हो गई थी। अब कल जो है यानी 22 तारीख की जो फ्लाइट है उसके अंदर अभी जो शेड्यूल आया हमारे पास बॉम्बे से उसमें 143 पैसेंजर हैं, उसमें लेडीज जेंट्स दोनों भी हैं और एक बच्चा भी है। और इसकी फ्लाइट कल सुबह 5:30 बजे का टाइम है और वो भी तकरीबन अपने वक्त पर गुजर जाएगी। और जैसा आपने सवाल किया कि यहाँ के इंतजाम का, तो इंतजाम तो आप खुद देख ही रहे हैं, लेकिन ये सेक्शन जो है वो सिर्फ लगेज की रिसीविंग का सेक्शन है। यहाँ पर जो बाहर से आज खासतौर से यानी कल जो फ्लाइट है उसमें भोपाल के 52-53 लोग हैं या कमी बेश थोड़े बहुत हैं और बाकी पूरे जो है अपने सूबे से यानी स्टेट से आ रहे हैं। उसमें दीगर ज़िलों के, छतरपुर के हैं, जबलपुर के हैं और बाकी ज़िलों के हैं, वो तो सब मिला के कल जाएंगे। अब उनका इंतजाम जो भी है वो सबका यहाँ पर लगेज हम रिसीव कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो है जितने कवर होल्डर हैं वो उनमें से 20 को छोड़कर बाकी का सामान आ चुका है और ऐसा लगता है कि शाम को 4-5 बजे तक ये पूरा सामान आ जाएगा और उसके बाद फिर हम जो है इसको लोड करके एयरपोर्ट रात को 11:30-11 बजे तक पहुँचा देंगे। भोपाल से सीनू संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।